रोबो बॉय, यही वो जगह है जहां पर भूतनी आती है और हम पर जोरदार आक्रमण करती है, और कुछ क्षण में वो आने वाली ही होगी। हाँ रोबो बॉय, यही कारण है कि मोटू को समोसे भी ना मिल रहे हैं। इसीलिए मोटू कमजोर पड़ता जा रहा है। अब आपको ही कुछ करना होगा। मोटो पतलू मेरे दोस्त, अब परेशान मत हो, मेरे होते हुए आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। परंतु रोबो बॉय, यह बहुत ही भयंकर है। इससे हमें बचने के लिए कुछ न्यू तरकीब को सोचना होगा। हाँ रो भाई, पतलू बिल्कुल सही कहता है, यह बहुत ही भयंकर है, लेकिन आप पर आक्रमण करना उसके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि आपका सभी शरीर लोहे का है। चलो मिलकर सामना करने चलते हैं। फिर उस जंगल से मोटू रवाना होने लगता है, और फिर धीरे धीरे रॉ बॉय और फिर धीरे धीरे पतलू तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। मुझे लगता है पतलू और रॉ बॉय कि जल्द ही वो चुड़ैल आने वाली होगी, हमें सतर्क होना चाहिए। हाँ मोटू, आप सही कहते हो, जल्द ही चुड़ैल आने वाली है। हमें जल्द ही अपने अपने स्थान को चुनना होगा। तभी वहां पर भयंकर चुड़ैल आती है। मोटू और रॉ बॉय चुड़ैल पर जोरदार आक्रमण करने लगते हैं। मोटू और रॉ बॉय बहुत ही शक्तिशाली अपनी शक्तियों का आक्रमण करते हैं, बिजलीधारी शक्तियों का। फिर रॉ बॉय आगे बढ़कर उस चुड़ैल पर आक्रमण करने जाता है। फिर आगे मोटू भी बढ़ जाता है। फिर दोनों आगे बढ़ बढ़कर उस चुड़ैल मौत के घाट उतार देते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलेगी, जो आगे ज्यादा बढ़ता है बुरे कर्म में, वो पीछे भी हटता है। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप के अंदर देखा, वही कार्टून को क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वही आसानी से आपको एक एक चीज बताएंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए दोस्तों समझना शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको मोर कार्टून, वर्ड कार्टून, हॉरर कार्टून प्रॉपर तरीके से सीखनी है। तो दोस्तों यदि आपको प्रॉपर तरीके से सीखनी है तो भाई चैनल बनाओ, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दी लाइक, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश यादव, स्वागत करता हूं अपने आपके वेस्ट एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल में। तो धमाका करते हैं मेरे दोस्त, यहां पर मैंने आप सभी के लिए, जो भी भाई मेरे चैनल पर न्यू लॉन्च होते हैं, न्यू आते हैं, भैया वो कहते हैं कि यार हमको यह नहीं पता वो नहीं पता, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, मैं आप सभी के लिए धमाका धमाका ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करके डाल दिया है। यदि आपको धमाका ट्यूटोरियल देखना है तो मेरे भाई अपने बेस्ट एंड टिप्स पर आ जाइए और धमाका करना सीख लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर फुल कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट तरीके मिले, बेस्ट कार्टून मिले, जिससे कि आप अपने चैनल को फास्ट ग्रो कर सकें। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ शेयर करी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए थी और मुझे करने भी चाहिए थी। यदि मैं नहीं करता तो आपको धोखा और मुझे भी धोखा होता, मुझे पछतावा होता जब आपके कमेंट आते तब, लेकिन मैंने उस सॉल्यूशन किया। दोस्तों देखिए भाई साहब, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। यदि आप क्रोमा टून से वीडियो बनाने की सोच रहे हैं या फिर बना रहे हैं, कभी भी इस वीडियो को मिस मत करना, 100% ये आपकी वीडियो काम की है। इसमें मैंने आपको जेन्युइन चीजें बताई हैं मेरे दोस्त। भाई साहब वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको पछतावा हो। मैं यार फिर आप कहेंगे भैया जी आपने यार बहुत गलत किया हमारे साथ, पहले नहीं बताया, लेकिन दोस्त मैंने हर एक चीज आपको बता दी है। यदि आपको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए मेरे दोस्त, मेरे चैनल पर फ्री में देख सकते हैं, फ्री में A to Z ट्यूटोरियल आपके भाई ने आप सभी के लिए अपने चैनल पर डाल दिए। यदि आपको यकीन नहीं होता तो जाइए प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, यहां से अपने भाई के धमाका ट्यूटोरियल देखिए। यहां पर जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, यह तो खैर छोड़िए फालतू की वीडियो है, यहां पर यह वीडियो देखिए, मैं प्राइवेट कर दूंगा, परेशान नहीं हुई कोई भी, मैं इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को प्राइवेट कर देंगे, परेशान नहीं हुई। यहां पर यह वीडियो, यह प्लेलिस्ट देखिए, यह प्लेलिस्ट देखिए मेरे दोस्त, यहां पर प्लेलिस्ट देखिए, और एक जो मैंने कॉपी पेस्ट वाली प्लेलिस्ट डाली है सॉरी, इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें ऐसी ऐसी चीजें ऐड करी हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है,
बहुत ज्यादा फायदेमंद है मेरे दोस्त, सच बता रहे हैं हम, सच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रोमाटून के अंदर जाकर धमाका कार्टून को बनाना शुरू करते हैं। क्रोमाटून एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आया है जिसने पूरे यूट्यूब पर, पूरे प्ले स्टोर पर कार्टून एनिमेशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है मेरे दोस्त। क्या कर दिया है? तहलका मचा दिया है। तो चलिए क्रोमाटून के अंदर चलकर हम भी एक धमाका करते हैं और कार्टून बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्रोमाटून एप्लीकेशन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है लेट स्टार्टेड वाला। सबसे पहले वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। ट्यूटोरियल कॉन्टैक्ट फ्री पिक, यहाँ से आपको कोई दिक्कत आ रही तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जस्ट हम ओके कर देंगे। और यहाँ से हमारे सामने, यानी कि हमारे सामने चार करेक्टर्स दिख रहे होंगे। अब भैया हमें इन करेक्टर को हटा करके अपने धमाका ट्यूटोरियल को ऐड करना है, धमाका करेक्टर को ऐड करना है। अब वो कैसे करेंगे देखिए, यदि आपको इनकी वेबसाइट से, जो इनकी क्रोमाटून ऑफिशियल वेबसाइट है उससे करेक्टर लाना है तो वो कैसे करेंगे, और अपनी डिवाइस से अपने बने हुए या फिर कहीं से लिए हुए वो करेक्टर कैसे ऐड करेंगे, या आप जब इसने आपने अपनी इनकी वेबसाइट से लिए तो आप यहाँ पर नेम कीकोड डालेंगे और इंटर कर देंगे, या आप अपने डिवाइस से कर रहे हैं तो फ्रॉम ड्रॉप पर चेक करेंगे, यानी कि क्लिक करेंगे और सिर्फ टिक कर देंगे बॉक्स को और लोड पर मेरे दोस्त क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोड पर क्लिक करेंगे हमारी फाइल से एक करेक्टर को चूज करना है और यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना होगा। जितने करेक्टर आपको चाहिए सभी को इम्पोर्ट कर देना है। अपने दोनों करेक्टर को ऐड कर दिया है। अब भाइयों करेक्टर तो हमने इम्पोर्ट कर दिया, लेकिन बात आती है इनको एनिमेट करना, इनके पीछे लगे बैकग्राउंड को बदलना। तो मैंने यहाँ पर जो आइकन आपको डबल बैकग्राउंड वाला दिख रहा होगा, जहाँ पर मेरा कर्जर है वहीं पर हम क्लिक कर देंगे, और जहाँ पर क्लिक करने के बाद इम्पोर्ट बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। सॉरी भाइयों थोड़ा इफेक्टिविटी आ रही थोड़ा बोलने में, उसके लिए सॉरी। अब फ्रेंड यहाँ पर जो लोड वाला, जो फोटो वाला ऑप्शन है, हम यहाँ से अपने एक फ़ोटो को इंपोर्ट कर देंगे, यानी कि बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर देंगे। कहाँ से कैसे बनाना है, क्रिएट करना है, डाउनलोड करना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं दोस्तों, अपने यहाँ पर अपने इस बैकग्राउंड को क्रिएट कर दिया, ऐड कर दिया है। यहाँ पर जो लैपटॉप जैसा आइकन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद मेरे दोस्त आपको इस तरीके से एडजस्टिंग कर देनी है अपने बैकग्राउंड की। यदि आप इस तरीके से एडजस्टिंग नहीं करेंगे मेरे दोस्त तो आपको धोखा होगा, आपको दिक्कत आएगी, आप अपनी कार्टून को प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे। जो भी यूट्यूबर आपको समझाते हैं वो यह काम नहीं बताते, तो समझ लीजिए मेरे दोस्त कि आपको वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप अच्छी कार्टून को कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस काम को भूल जाते हैं, इस काम को नहीं करते, तो मेरे दोस्त आपके कार्टून का कोई मकसद नहीं रहेगा। तो चलिए ऐसा करने के बाद आपको इसे अनटिक कर देना है। बारी आती है इसे एनिमेट करने की। तो चलिए लोगो कैसे लगाना है मेरे दोस्त, जो कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर अपना लोगो कैसे ऐड करना है मेरे दोस्त, उस बात को ध्यान से सुन लेना। वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यहीं से लग जाएगा नो एडिटर एप्स के अंदर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपना जो लोगो था वो भी लगा दिया है मेरे दोस्त, आप देख सकते हैं। यार थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है लोगो लगाते समय, यहाँ पर एक काम आपको करना है, तभी लोगो लगाना है जब आपने कोई भी करेक्टर इम्पोर्ट नहीं करा है, तब लोगो लगाएं यहाँ पर, अन्यथा लोगो ना लगाएं। चलिए डाउट क्लियर करते हैं। सेटिंग लोकेशन ओके पर क्लिक, लोगो ठीक है, थोड़ा सा डाउट था वो क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं एनिमेटेड की। तो भैया यहाँ पर हमें जो हमारा रॉब हुआ है इसका थोड़ा आकार को कर देंगे बड़ा, समझ रहे हैं ना, आकार को, आकार काफ़ी अच्छा लग रहा है। मोटू के सिर को घुमा देंगे रॉब बॉय की तरफ, इसको कर देंगे इस तरीके से। पतलू के सिर को घुमा देंगे रॉब बॉय की तरफ, इसको कर देंगे ऐसे। अब भाई साहब हमारा जो रॉब हुआ है देखे किस तरीके से खड़ा है और ये किस तरीके से खड़े हैं। तो भाई साहब ये बनाते समय ऐसा कुछ होता है, ये बनाते समय होता है, ना कि ये किसी का कोई अमीला है। अब यहाँ पर मोटू कहेगा कि मोटू अरे मेरे दोस्त मंटो आजा आजा आजा। दोस्त में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको कार्टून या फिर किसी भी कार्य में सक्सेस होना है तो मेरे दोस्त जीवन में एक चीज़ याद रखना कि आपको
बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अपने पर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकते हैं, हम इस कार्य को कर सकते हैं, चाहे हमारे सामने बड़ी से बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, हम उसका वही पार करके जाएंगे। या आपने वो चीज़ अपने मन में ठान ली तो एक दिन सक्सेस जरूर हो। मेरे दोस्त, मैंने भी एक चीज़ सोची है कि मुझे YouTube पर सक्सेस होना है और इतना पैसा कमाना मेरे दोस्त कि बहुत ज़्यादा। अब मुझे चाहे जितना चैनल बनाना पड़े, मुझे दिन रात एक करना पड़े, मुझे रोटी मिले या ना मिले, लेकिन मुझे अपनी वीडियो अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। लेकिन ये सब कब तक मुझे करना होगा? जब तक कि मैं एक फर्स्ट यूट्यूबर नहीं बन पाता। जैसे मेरी कुछ अर्निंग होगी, मैं इतना त्यागन करके एक जो रेगुलर बेस होता है हमारा, उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे। तो मेरे दोस्त, यही भी आपको करना है, रेगुलर बेस तो करना ही है, लेकिन इतना कड़क परिश्रम करिए कि देखने वाला भी देखता रह जाए कि यार भाई साहब कड़क परिश्रम करने वाले की सदा जीत होती है, जीत होती है। यदि हिंदी संस्कृति वार्त संस्कृति है के द्वारा हम जाने तो परिश्रम करने वाले की सदैव जीत होती है मेरे दोस्त, सदैव जीत होती है, जैसे कि हो रही है और होती भी रहेगी। समझ रहे हैं? कुछ मोटिवेशन मिली है मेरे दोस्त, तो लग जाओ अपने काम पर, धमाका करो बस, धमाका। अब दोस्तों इसे करना एनिमेट, चलिए प्लस वाला आइकन मोटू को एनिमेट करना सबसे पहले, मोटू को, मोटू 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 मेरा दोस्त तू कहाँ को चला गया है मेरे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर टावल को ना ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा फनी वे में बोलेंगे नहीं तो आप यार बोरिंग नहीं होंगे, क्या होंगे आप बोरिंग नहीं होंगे, तो इसलिए यार मैंने कुछ आइडिया सोचा है। तो मोटू है, मोटू कैसा दोस्त है, मोटू है एक धमाकेदार, काम करते रहेंगे बातें करते रहेंगे, समझ रहे ना, काम कर। यार दिमाग खराब हो गया यार पूरा, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया ऐसे इसने तो यार, प्लीज कंटेनर डिनर यार, भाई साहब दिमाग खराब हो गया यार, बात खराब कर दी, इंटरनेट तो चल रही है भाई साहब, ये दिक्कत यार, बताइए पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया क्रोमा टून के बच्चे ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया यार, अब दोबारा से ये सब करना पड़ेगा। चलिए मैं आपसे करके मिलता हूँ, भैया आपको भी प्रॉब्लम हो रही है तो यार क्या ही करें, चलिए चलो खैर छोड़ो यार, खैर कोई बात नहीं, अब मुझे करना होगा दोस्त, यार मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मैं परेशान हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं ना भैया, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं, करके मिलते हैं यार आपसे, अब मुझे शुरू से ही करना पड़ेगा सब, मैं करके मिलता हूँ यार, बहुत ज़्यादा दुख हो गया मुझे, अब बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी वो सब बर्बाद होगी दोस्त। दिया है जो दोस्तों पहले हम बैग हटे थे वो इंटरनेट इशू था, हमारी जो वोडाफोन की सिम है मेरे दोस्त, वोडाफोन में हमारे यहाँ पर क्या होता है, 4G तो चलती ही है, 4G तो चलती ही है मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर यार भाई साहब 4G तो चलती है वो सिम, अब 4G चलने के साथ साथ 3G हो जाती है। ओहो मोबाइल देखिए क्या क्या कर रहा है, ओहो भाई साहब मेरे आईफोन 3G हो जाती है और 2G हो जाती है और मेरे भाई ई भी आ जाती है, ई मतलब नो इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा भी हो जाता है। तो भाई साहब वो 2G आ गई थी तो इसलिए ये 4G मांगता है, ये 4G वर्जन है तो 4G मांगता है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आई थी। अब मेरे दोस्त यहाँ पर हमको क्या करना है, देखना ध्यान से सुनना थोड़ा, देखिए चलिए मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको एक एक चीज़ भराए, एक एक चीज़ भराए आपके दिमाग में उतर जाए सीधा सीधा, मैं बस यही चाहता हूँ। यहाँ पर मोटू शांत रहेगा, यहाँ पर मोटू बोलेगा, यहाँ पर मोटू शांत रहेगा और यहाँ पर मोटू क्या करेगा, बोलना चाहिए, यहाँ पर मोटू बोलना चाहिए, तो यहाँ पर मोटू बोलेगा और देखिए बोलेगा, यहाँ पर आइडियल टालकोन ऑप्शन होता है मेरे भाई, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अरे भाई साहब जी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं फिंगर से, भाई साहब धमाका करो यार धमाका, टाल्क वन ऑप्शन को, चलो टाल्क टू हो गया खैर। अब यहाँ पर 6 ऑप्शन जो मेरे दोस्त है, जो छठवा ऑप्शन है उसको कर देंगे रन, और यहाँ पर पतलू भैया के लिए यहाँ पर 5वें नंबर पर रन कर दिया है, और डोनी डेंजर के लिए यहाँ पर 6ठे नंबर पर रन कर दिया है, रन कर दो इसे।
अब भाई साहब हमारी एनिमेशन प्रॉपर तरीके से एडजस्टिंग हो चुकी है, जैसे कि देखेंगे। अब इसे रिकॉर्डिंग को टेस्टिंग कैसे करते हैं कि रिकॉर्डिंग सही है या फिर प्रॉपर तरीके से बेकार है। रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर मेरे दोस्त क्लिक कर देंगे। रिकॉर्डिंग ऑप्शन को क्लिक करने के बाद कैंसिल कर देंगे, क्रोमा टून मांग रहा है जस्ट। अब रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो मैंने सभी वीडियो में बता डाला, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। अलग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाउनलोड करनी होगी, जैसे बिटमा एक्स रिकॉर्डर में डाउनलोड कर लेना होगा भाइयों। अब यहाँ पर मोटू बोला है, मोटू पर क्लिक कर देंगे और मोटू पर क्लिक करने के बाद मोटू बंद हो जाएगा। पतलू पर क्लिक कर देंगे, पतलू बोलना शुरू हो जाएगा। आप पतलू तो बोलना शुरू हुआ मेरे दोस्त, पतलू को बंद कर देंगे और रॉबो बॉय को तीन बार क्लिक कर देंगे। तीन बार क्लिक करने के बाद रॉबो बोलना शुरू हुआ, रॉबो को कर देंगे बंद। अब यहाँ पर मोटू को बुलवाएंगे, देखिए मोटू भाई बोलो, मोटू बोलेगा और मोटू कहेगा चलो भागो मेरे दोस्त, जल्दी चलो जल्दी चलो। ऐसा क्या, अब इसे कर देंगे रन। अरे भाई साहब इसे कर देंगे रन, इसे कर देंगे रन, देख लीजिए इसे भी रन कर देंगे। तो भाई साहब इस तरीके से हमारी एनिमेशन प्रॉपर तरीके से तैयार है। अब यहाँ पर जो क्रोमा टून लिखा था, अब हमारा लोगो है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे। इस तरीके से मेरे दोस्त आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डिंग कर लेना है। सिटिंग की जगह हम कर देंगे इसे रन मोटू के लिए। जहाँ पर दिक्कत थी वो अब हम यहाँ पर सुधार लेंगे। यहाँ पर जो डबल पॉइंट था इस मोटू का, इस डोनी डेंजर का, तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देंगे। अब हमारी एनिमेशन पूरी तरीके से तैयार है। अब चलिए मैं भी आप सभी के सामने इसकी रिकॉर्डिंग कुछ करके मिलता हूँ काइन मास्टर के अंदर। काइन मास्टर से मिलने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे काइन मास्टर से पहले मिलते। अब दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक और करनी है, तभी हम प्रॉपर तरीके से कार्टून बना पाएंगे, अन्यथा बेकार रहेगा हमारा कार्टून बनाने का मकसद। तो चलिए चलते हैं और काइन मास्टर में पहुँचते हैं। बताया था पहली स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करने के बाद बारी आती है सेकंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। सेकंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा दोस्तों कि जो आपको पहले क्लिप तैयार की है वो आपको क्लिप नहीं हटानी है, समझना ना। तो हमारी पहली जैसी एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट की हुई है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोटू बोलेगा और मोटू बोलने के बाद पतलू बोलेगा। अब पतलू बोलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टेड अटैक होगा तीसरी पोजिशन में। देखिए फॉन्ट यहाँ पर अटैक वाला वन ऑप्शन जो अटैक है, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर तीसरी पोजीशन में हम अटैक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। तो यानी कि अटैक करेंगे ये दोनों, किस पर अटैक करेंगे, चुड़ैल पर अटैक करेंगे मेरे दोस्त, किस पर अटैक करेंगे, चुड़ैल पर अटैक करेंगे। तो इसी तरीके से भाइयों आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ पर ना तो मोटू बोलेगा ना कोई और करेक्टर बोलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट मोटू पतलू का युद्ध होगा। अब देखिए हम रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार होते हैं। किस तरीके से हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, यहाँ पर मोटू कह रहा है कि यहाँ पर जैसा कि आपने वीडियो क्लिप के अंदर देखा है, मोटू को शांत कर देंगे, फिर यहाँ पर पतलू को बुलवाएंगे, पतलू जी हाँ सही कहते हो मोटू जल्दी आएगा। यहाँ पर करने के बाद इस तरीके से करेंगे और अटैक होना शुरू हो जाएगा और मोटू को भी अटैक करना शुरू कर देंगे। तो तीनों अटैक करना शुरू कर देंगे और इस तरीके से हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर लेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करने के बाद दोस्तों आपको अब क्या करना है, अब क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, बारीकी से समझाने के लिए, बारीकी से समझने के लिए थोड़ा पेशेंस और थोड़ी हृदयवान होना चाहिए, थोड़ा मतलब धीरज रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए यदि आपको बारीकी से समझना है। तो यहाँ पर फिर से जाएंगे और एक करेक्टर को इंपोर्ट करेंगे, वो भी अपनी तरफ से होना चाहिए। तो चलिए मैं करते हैं, यहाँ पर चुड़ैल के करेक्टर को कर लिया इंपोर्ट और यहाँ पर करेंगे फ्लाई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट। और देखिए फ्लाई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये फ्लाई करने शुरू कर देगी, यहाँ पर इसे कर देंगे ऐड। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे क्या कर क्या ध्यान रहे वो भी आपको बताने वाला हूँ। जो ये आपने इस समय करेक्टर को इंपोर्ट करा है, जो आपने इस समय जो करेक्टर को आपने इंपोर्ट किया है, उस करेक्टर का फ्रेंड जो है स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन होना चाहिए। इस करेक्टर के अंदर जो बैकग्राउंड है ये वाला, ये ग्रीन स्क्रीन का होना चाहिए, ये टोटल क्या होना चाहिए, ग्रीन स्क्रीन का होना चाहिए। मैं आपको ये सबसे पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको ग्रीन स्क्रीन में रख लेना है, बाकी करेक्टर नहीं होने चाहिए, एक क्लियर स्क्रीन चुनौती करनी है। और सेकंड पोजीशन में यहाँ पर अटैक वाले ऑप्शन को अटैक प्रूफ नंबर वन को सेलेक्ट कर देना है, अटैक प्रूफ नंबर वन को सेलेक्ट कर देना है। इस तरीके से फ्रेंड दोनों में अटैक होगा, कौन मारा जाएगा कौन होगा तो वो को आपने इंट्रो वीडियो में देख लिया है। चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद सीधा काइन मास्टर में चलते हैं दोस्तों, धमाका करते हैं, काइन मास्टर में चलते हैं, धमाका करते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर काइन मास्टर में आने के बाद आपने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है, जो कि हमने आपको बताया था वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर इम्पोर्ट किया है, अन्यथा और कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर हमने इम्पोर्ट
नहीं किया है। यदि फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, इसे कट करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब रही बात मेरे दोस्त की, यहाँ से कहाँ से हमारी कौन सी एनिमेशन वेस्ट है, उस पार्ट को हमें यहाँ से छानना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इसे प्ले करके देखना होगा कि कहाँ से हमारी एनिमेशन अच्छी है। देखिए, एनिमेशन करते समय आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपकी एनिमेशन स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए दोस्तों। कैसी होनी चाहिए? स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। यदि आपकी एनिमेशन बोल रहे हैं कुछ कर कुछ रहा है, तो एनिमेशन में भद्दा रंग, और भद्दा रंग आने के कारण आपकी वीडियो के वायरल चांस नहीं होंगे मेरे दोस्त। मैं सटीक जानकारी बताता हूँ, चाहे आपको कड़वी लगे चाहे अच्छी लगे। वीडियो बनाते समय समय देना होगा ज़्यादा नहीं, एक घंटा। एक घंटा वीडियो बनाओ मेरे भाई, एक घंटा वीडियो बना करना। छपाई छपाई कैसे? चलिए मैं इसे प्ले करके और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे आपके सामने। देखिए भारी भरकम ट्यूटोरियल यहाँ से होता है शुरुआत। यहाँ से भाई हम इस पर क्लिक करेंगे, मिक्सर पर जाएंगे, आवाज़ को जीरो कर देंगे। आवाज़ को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। भाई साहब यहाँ से भी हमारा भारी भरकम ट्यूटोरियल नहीं है शुरुआत। ये दोस्तों देखिए, यहाँ से होगा हमारा ट्यूटोरियल की शुरुआत। यहाँ से है दोस्तों हमारे ट्यूटोरियल की शुरुआत। यहाँ से हमारी ट्यूटोरियल है। यहाँ से मिक्सर तो हमें बंद कर दिया, पैनल जूम ऑप्शन, और इसे जूम करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने सेट कराया था वो इसीलिए सेट कराया था मेरे दोस्त। ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, जो ये क्रोमा टून से हम रिकॉर्डिंग करके लाए हैं, ये यूट्यूब साइज में नहीं होती है दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूट्यूब साइज में नहीं होती है, हमें अपनी खुद ब खुद इसे यूट्यूब साइज में कन्वर्ट करना पड़ता है। यदि हम इसे यहाँ पर जाकर पेन एंड जूम नहीं करते, तो यहाँ पर ये यूट्यूब साइज में नहीं बनती ना, कि इतनी पतली रहती दोस्तों। सभी लंग कितना रहता? इतना इतना रहता। अच्छा लगता? नहीं लगता। तो इसलिए यार हमने ऐसा किया, इक्वल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसे इक्वल कर देंगे। अब बात आती है यहाँ से आगे बढ़ना। तो अब मान लीजिए कि आपको दूसरी लेयर इंपोर्ट करनी, तो इसे करेंगे फिर सबसे पहले डुप्लीकेट। अब आपकी लेयर हो चुकी है डुप्लीकेट, सेकंड लेयर पर क्लिक करेंगे और रिप्लेस वाला आइकन इस पर क्लिक करेंगे और दूसरी लेयर को यहाँ पर ऐड कर देंगे मेरे दोस्त। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दोनों लेयर को कर दिया है ऐड। अब धमाके कार्टून की शुरुआत यहाँ से होती है मेरे दोस्त। यह तो इंट्रो मान लीजिए, अब होती है धमाके कार्टून की स्टार्टिंग। क्रोमा टून से यहाँ तक लेकर बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन क्रिएट करते हुए आ रहे हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो भाई साहब कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट तैयार किया गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा आपको बारीकी से समझना होगा, तभी आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ तक यातना जो हमारा पार्ट है इधर के साइड का पूरा, यहाँ तक मोटू बोला है, ठीक है। यहाँ से जो इतना पार्ट है हमारा, यहाँ से इतना पार्ट जो पूरा, इसमें कौन बोला है? इसमें हमारा पतलू बोला है। तो इन दोनों पार्ट को यहाँ से और यहाँ से स्प्लैट कर देंगे पूरे प्रॉपर तरीके से। स्प्लैट करने से हमें बॉस को रिकॉर्ड करने में, बॉस को ऐड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, तो इसलिए हम बॉस को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए मैं पार्ट बाई पार्ट पूरी वीडियो मेरे दोस्त कट करके मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपनी वीडियो के पार्ट बाई पार्ट को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने पूरी वीडियो में पार्ट बाई पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक करेक्टर की बॉस को अलग अलग डिवाइडेड कर दिया है। रही बात यहाँ की, जो यहाँ पर हम कौन से इफेक्ट को यूज किया है वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर पहले इस तरीके से कर देंगे, और यहाँ पर जो फ्रेंड से होता है आपको क्लासिक ट्रांजिशन, देखिए यह वाला, इस वाले इफेक्ट को हमने यूज किया है फ्रेंड्स, और यहाँ पर इस इफेक्ट को यूज कर डाला है। तो इस तरीके का इफेक्ट हमारे सामने शो होगा, आप सब देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक चलेंगे थोड़ा, और इस तरीके से यहाँ पर चलते जाएंगे, और यहाँ जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। एक बार में कितनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है? यहाँ तक। सेकंड टाइम दोबारा से आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है, और यहाँ तक वॉइस को रिकॉर्ड करना है। थर्ड बार दोबारा से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है, और यहाँ तक रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करना है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप वॉइस को रिकॉर्ड करना है। यदि आप चाहते हैं कि हम एक बार में वॉइस को रिकॉर्ड करें, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग फोल्डर और फोल्डर यहाँ पर डाउनलोड या फिर काइन मास्टर, जो भी आपने रिकॉर्ड वॉइस की वो भी यहाँ पर आएगी, और रिकॉर्ड वॉइस पर क्लिक करके आप इजीली ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमने माइक कनेक्ट नहीं किया था फ्रेंड्स। चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर हमने पूरी वीडियो के अंदर अपनी बॉस को ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर पूरी वीडियो में अपनी जो भी बॉस थी उसके लिए ऐड कर दिया है। अब बात रही बॉस को ऐड करने के बाद, बॉस को चेंजिंग करने की, बॉस को एडजस्टिंग करने की, बॉस को संभालने की और बॉस को सुधारने की, तो यही है वो फीचर जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सीधा कर देंगे और फिर जाएंगे आप मिक्सर वाले आइकन पर, आपको देखने की कौन बोल रहा है। मोटू बोला तो इतनी आवाज़ कम कर देंगे, एक आवाज़ माइनस को ले आएंगे तो आवाज़ थोड़ी मोटी हो जाएगी मेरे दोस्त। कैसी हो जाएगी? मोटी। अब यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आना है, सेकंड पोजीशन पर देखना है कि कौन बोल रहा है, या आपको ज्ञात होना चाहिए कि कौन बोल रहा है। यहाँ पर पतलू बोल रहा है तो पतलू की आवाज़ थ्री पिच कर देंगे, यानी कि थोड़ी पतली कर देंगे आवाज़, ठीक है। यहाँ पर कौन बोला है? रोबो वॉइस। जब रोबो वॉइस बोला तो रोबो वॉइस की आवाज़ को करेंगे टू पतली, और टू पतली करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा रिवर्ब वाला, इस पर जाएंगे क्लिक और कैथेड्रल ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। इस तरीके की आवाज़ को आपको फील करना, नहीं तो ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और अच्छे तरीके से आवाज़ हम एडिट कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही काम आपको करते जाना है, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको वॉइस को एडिट करने में कभी भी नहीं आएगी कार्टून वीडियो के अंदर। यहाँ पर वॉइस को देखना है कि कौन बोला, तो यहाँ पर मोटू दादा बोला है, मोटू दादा बोला है तो मोटू की मार्क्स की ओर ले आते हैं हम पिच, क्योंकि आवाज़ थोड़ी मोटी कर रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप के अंदर देखा, वही सब कुछ कर रहे हैं और कोई अदर पार्टिकल हम अलग से नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर मुझे प्ले करके देखना होगा कि कौन यहाँ पर बोल रहा है। फिर उस जंगल से देखिए बंड, यहाँ पर खुद की आवाज़ हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर टू पिच करेंगे ओनली, ज़्यादा नहीं करेंगे। टू पिच करने के बाद इसे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कौन है। यहाँ पर कौन है? मोटू। यहाँ पर मोटू बोला है मेरे दोस्तों। मोटू बोलने के साथ साथ हम माइनस पिच को इनक्रीज कर देंगे। इनक्रीज ही कर रहे हैं ना, माइनस की ओर जा रहा है तो डिक्रीज तो कर नहीं रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर कौन बोल रहा है दोस्त? यहाँ पर पतलू बोल रहा है, तो थ्री पिच इंक्रीज कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखना है कौन बोल रहा है, तो यहाँ पर तो रोबो बोल रहा है ना। नहीं 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 दोस्त, सॉरी, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हम अपनी टू पिच करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बट इस तरीके से आपको अपनी वीडियो के अंदर वॉइस को एडिट करना है। और वॉइस तो फ्रेंड आपने एडिट कर ली है, वॉइस को तो एडिट करने के बाद आपके सामने काफ़ी चीज़ें और भी एडिट करने के लिए रहती हैं, वो भी आपको ध्यान से सुन लेनी है। यदि आप आज के कार्टून को पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप कार्टून वीडियो को प्रॉपर तरीके से बनाना सीख गए होंगे। यदि सीख गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे दोस्त। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा यहाँ पर आप बारीकी से समझ लीजिए, मैं आपको एलर्ज करके देखिए। यहाँ पर जो बीचों बीच हमारी जो एरर है यह आ रहा है, और यहाँ पर वॉइस देखिए, वॉइस देखिए किस तरीके से प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करी गई है। तो इसी तरीके से फ्रेंड आपके लिए भी वॉइस को एडजस्टिंग करनी होगी। अब देखना फ्रेंड्स, बिल्कुल कितनी धमाका एक्स वॉइस को ऐड किया गया है, आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल सही है ना। इसी तरीके से फ्रेंड आपको भी वॉइस को ऐड करना ही करना होगा यदि आप कार्टून के फील्ड में जा रहे हैं तो, ठीक है। अब इतना करने के बाद फ्रेंड काफ़ी आगे चलकर हमें बहुत ही धमाकेदार एक्शन, धमाकेदार एनिमेशन देनी है यहाँ जा करके। तो चलिए सुनते हैं यहाँ से। चुनना होगा तभी वहाँ पर भयंकर चुड़ैल आती है। मोटू और रॉबॉय चुड़ैल पर जोरदार आक्रमण करने लगते हैं। मोटू और रॉबॉय बहुत ही शक्तिशाली अपनी शक्तियों का आक्रमण। भाई साहब, मुझे लगता है कि काइन मास्टर यीशु आया है, बहुत लंबा वाला। कितना लंबा? बहुत लंबा वाला इशू आया है। अब देख सुधर गया फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ से इनके बारीकी से हाथ चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जाना है आपको, स्टिकर वाले ऑप्शन में जाना है, यानी कि इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो वॉक्स वाला दिख रहा है, मार्केट वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मार्केट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके ढेर सारे रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट से एक रिजल्ट को हमें यहाँ से डाउनलोड करना होगा। अब वो रिजल्ट कौन सा है? चलिए इसे खाली हमारा फ़ोन स्थापित मांग रहा है, यानी कि जगह मांग रहा है दोस्तों। तो ऐसा करेंगे, ऐसा करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट डाउनलोड करने हैं। अब कौन कौन से इफेक्ट कैसे कैसे डाउनलोड करने हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, इंटरनेट को ओपन करके दोस्तों। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि अब मैं क्या ही बताऊँ, चलिए बताते हैं फ्रेंड्स। हम बता दें आपको क्लियरली कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरे इफेक्ट वाला सेक्शन है या फिर ये स्टिकर वाला ऑप्शन है फ्रेंड, यहाँ से मैं कोई भी इफेक्ट को डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है क्या फ्रेंड्स? इंटरनेट।
फ्रेंड जो भी इंटरनेट थी वो हमारी सुबह ही ख़त्म हो चुकी है। अब इंटरनेट की बहुत कमी होने के कारण हम यहाँ पर कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, मोटू पतलू को सिंधार लड़ाई दिख रही होगी थंबनेल पर, उस लड़ाई को जाकर आप देख सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों रही बात कि वीडियो को एडिट कर लिया, वीडियो को सब कुछ कर लिया, तो वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करना है। देखिए फ्रेंड यहाँ जो धमाका होना था वही धमाका हमारे हाथ से चपड़ता चला गया, लेकिन खैर कोई नहीं, आपको हमारे चैनल पर ऐसा ट्यूटोरियल, बहुत बड़े बड़े ट्यूटोरियल हैं, थंबनेल पर ही मोटू का युद्ध हो रहा होगा चुड़ैल से, मोटू का युद्ध हो रहा होगा चुड़ैल से। तो फ्रेंड उस वीडियो को आप जाकर के ज़रूर देखें, जिससे कि आपके सभी डाउट पलभर में क्लियर होंगे। उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरीके से गाइड किया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट आपकी वीडियो होने के लिए तैयार होगी। आपको इस तरीके से अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट सेव एस वीडियो पर क्लिक कर देना है। जब तक वीडियो सेव हो रही तब तक आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दिए लाइक, जैसे कि आने वाली सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं वीडियो को थंबनेल कैसे बनाना है, वीडियो को अपलोड कैसे करना है, वीडियो को बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करना है, सब कुछ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यदि हो सके तो उन वीडियो को भी जरूर देख लेना। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव सब के लिए, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।